नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो Realme ने आज अपना Realme Narzo सीरीज के अंदर टोटल तीन स्मार्टफोन लॉन्च किया है, Realme Narzo 20A, 20 और 20 Pro। ये जो Realme Narzo 20 Pro लॉन्च हुआ है, इसका दो वेरिएंट में से एक का प्राइस है 15,000 रुपये, दूसरे का प्राइस है 17,000 रुपये। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि 15,000 रुपये अगर आपका बजट है तो आपको लेना चाहिए Realme 7। और Realme 7 का भी एक वेरिएंट का प्राइस है 15,000 रुपये, दूसरे वेरिएंट का प्राइस है 17,000 रुपये। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपका बजट है 15,000 रुपये तो Realme 7 और Realme Narzo 20 Pro ये दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा सबसे बेटर है और किस लिए बेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो बिना कोई वक्त है। और ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों का थिकनेस और वेट को देख के। Narzo 20 Pro का थिकनेस है 9.4 मिलीमीटर और इसका वेट है 191 ग्राम। और Realme 7 का थिकनेस है 9.4 मिलीमीटर और इसका वेट है 197 ग्राम। मतलब दोनों का थिकनेस और वेट ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर दोनों के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो Narzo 20 Pro और Realme 7 दोनों पे ही हमें 6.5 इंच फुल एचडी प्लस नॉर्मल एलसीडी डिस्प्ले मिलता है। दोनों पे ही हमें एग्जैक्टली सेम 90Hz रिफ्रेश रेट मिलता है और 120Hz टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। दोनों पे ही एग्जैक्टली सेम 90.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है और दोनों पे ही एग्जैक्टली सेम गोरिल्ला ग्लास स्टिकर प्रोटेक्शन मिलता है। मतलब हम कह सकते हैं Realme वालों ने Realme 7 का स्क्रीन को Realme 20 Pro में कॉपी पेस्ट कर दिया है। अगर हम दोनों के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इस जगह पे भी Realme वालों ने Realme 7 के साथ टोटली कॉपी पेस्ट कर दिया है, क्योंकि दोनों पे ही हमें Helio G95 प्रोसेसर मिलता है जो कि बना है 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर और दोनों पे ही जो Antutu स्कोर वो है 3 लाख से थोड़ा सा ज्यादा। अगर दोनों के कैमरे के बारे में बात करें तो Narzo 20 Pro में हमें मिलता है 48, 8, 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 16 मेगापिक्सल का सोनी का फ्रंट कैमरा। और Realme 7 पे हमें मिलता है 64, 8, 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 16 मेगापिक्सल का सोनी का फ्रंट कैमरा। वैसे यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा, Realme 7 पे जो 64 मेगापिक्सल सेंसर वो दरअसल सोनी IMX682 सेंसर। अगर दोनों के बैटरी के बारे में बात करें तो Narzo 20 Pro में हमें मिलता है 4500mAh बैटरी विथ 65W फास्ट चार्ज और इसका कनेक्टिविटी है USB Type-C। मतलब Narzo 20 Pro को मार्केट का सबसे चीपेस्ट हाई परफॉर्मेंस फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन बना देता है। और Realme 7 पे हमें मिलता है 5000mAh बैटरी विथ 30W फास्ट चार्ज और इसमें भी हमें USB Type-C का पोर्ट मिलता है। दोनों स्मार्टफोन एग्जैक्टली सेम वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है, मतलब 664GB और 8 120GB। Narzo 20 Pro का रैम का क्वालिटी है LPDDR4X और मेमोरी का क्वालिटी है eMMC 5.1। Realme 7 का रैम का क्वालिटी है LPDDR4X और मेमोरी का क्वालिटी है UFS 2.1। अगर दोनों के कुछ बाकी के फीचर के बारे में बात करें तो दोनों पे ही हमें 3.5mm जैक मिलता है, दोनों पे ही हमें 2+1 कार्ड स्लॉट मिलता है, दोनों पे ही हमें साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। और दोनों के अगर प्राइस के बारे में बात करें तो दोनों स्मार्टफोन के 664GB का प्राइस है 15,000 रुपये, दोनों के 8 120GB का प्राइस है 17,000 रुपये। तो आप बड़ी इस वीडियो के कंक्लूशन की आपने पूरे वीडियो में देख लिया। अगर यहाँ तक देखने के बाद भी आपको ये समझ भी नहीं आ रहा कि 15,000 में कौन सा सबसे बेटर है तो आप इस नेक्स्ट चार्ट में देख सकते हैं, आपका सारा कंक्लूशन निकल जाएगा। तो 15,000 रुपये पे अगर आप Narzo 20 Pro के साथ जाते तो आपको एक ही एडवांटेज मिलेगा जो कि है 65W वाला फास्ट चार्ज, जो कि इसके 4500mAh बैटरी को लगभग 35 मिनट के आसपास फुल चार्ज कर देगा। और अगर Realme 7 के साथ जाते तो आपको टोटल 3 एडवांटेज मिलेगा। पहला तो बेटर बैक कैमरा मिलेगा, मतलब 64MP सोनी सेंसर मिलेगा, जहां पर Narzo 20 Pro में आपको 48MP सेंसर मिलता है। ज्यादा बैटरी मिलेगा, मतलब इसमें 5000mAh बैटरी मिलेगा। और इसका जो तीसरा एडवांटेज वो है बेटर रॉम, मतलब बेटर इंटरनल क्वालिटी का स्टोरेज मिलेगा। Narzo 20 Pro में आपको eMMC 5.1 मिलता है, लेकिन Realme 7 पे आपको UFS 2.1 मिलता है। और अगर मैं eMMC 5.1 और UFS 2.1 की बात करूं तो स्पीड के मामले में 2 से 3 गुना इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा Realme 7 पे। तो इस वीडियो के आखिर में हमें क्या पता चलता है, अगर हम 15,000 रुपए के अंदर सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन आज के दिन की बात करें तो वो अभी भी है Realme 7। Narzo 20 Pro किसी भी हालत में Realme 7 को बीट नहीं कर पाता। हाँ, ये चीज मैं मानता हूँ कि Narzo 20 Pro में आपको 65W का फास्ट चार्ज मिलेगा जो कि आपके बैटरी को 35 मिनट के आसपास फुल चार्ज कर देगा, लेकिन Realme 7 का जो 30W का फास्ट चार्ज वो इसके ओवरऑल बैटरी को लगभग 1 घंटे के आसपास फुल चार्ज कर देगा। मतलब यहाँ पर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ,
आधे घंटे चार्जिंग टाइम बचाने के चक्कर में हम किसी भी हालत में बेटर क्वालिटी कैमरा, बेटर क्वालिटी इंटरनल मेमोरी और ज्यादा बैटरी का कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो तक उम्मीद है आज के छोटा सा कंपैरिजन होगा पसंद आया होगा। वैसे Narzo 20 Pro के साथ आप और ऐसे कौन से स्मार्टफोन का कंपैरिजन देखना चाहेंगे मुझे नीचे कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।